अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आपको ट्राउज़र का एक और नया डिज़ाइन बनाना सिखाएंगे। ऐसा सेम डिज़ाइन आप लोग अपनी स्लीव पर और नेक पर भी बना सकते हैं। ट्राउज़र की लेंथ हम कटिंग करते हुए कम या ज़्यादा नहीं रखेंगे, जितनी हमारी नॉर्मल होती है हम उतनी ही रखेंगे। और ट्राउज़र का पैंचा हमने नीचे से फोल्ड करके स्टिच कर लिया है। अब हम ट्राउज़र पर लंबाई की तरफ मार्क करेंगे। पहला मार्क हम 2 इंच पर करेंगे। यहाँ पर हम बारीक बारीक पिनटेक्स डालेंगे। ऐसे हमने एक पिनटेक्स डाल लिया है। अब इसी तरह से हम इसके ऊपर दूसरा पिनटेक्स डालेंगे। थोड़ा सा हम गैप छोड़ेंगे और यहाँ पर दूसरा पिनटेक्स डालेंगे। दो पिनटेक्स हमने डाल लिए हैं और यहाँ पर हमने 5 पिनटेक्स डाल लिए हैं। अब हम इन पिनटेक्स के ऊपर 2 इंच पर मार्क करेंगे, 2.5 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ पर दोबारा से हम 5 पिनटेक्स डाल लेंगे। ऐसे हमने ऊपर और नीचे 5 पिनटेक्स डाल लिए हैं और इन दोनों पिनटेक्स के सेंटर में हमने ये मार्क किया है। यहाँ से हम ट्राउज़र के दोनों पार्ट्स को कट कर लेंगे। ऐसे दोनों पार्ट्स को हमने कट कर लिया है। अब हम ये 1/2 इंच चौड़ी बुकरम लेंगे और इसके नीचे हमने ट्राउज़र के फैब्रिक को पेस्ट कर लिया है। अब हम इस फैब्रिक को इस तरह से बुकरम की तरफ फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। और इसी तरह की सेम पट्टी एक और ले लेंगे। ऐसे हमने इसको स्टिच कर लिया है। अब हम ट्राउज़र का ये नीचे वाला पार्ट लेंगे और इसके राइट साइड पर हम बुकरम को ऐसे रखेंगे और बुकरम के बराबर बराबर में सिलाई लगा लेंगे। अब हम इस बुकरम वाली पट्टी को ट्राउज़र इस पार्ट के रॉन्ग साइड पर ऐसे फोल्ड करेंगे और प्रेस कर लेंगे। इसी तरह से हमने ये ट्राउज़र के ऊपर वाले पार्ट पर भी बुकरम को इस तरह से स्टिच कर लिया है। अब दोनों को हम प्रेस कर लेंगे। ऐसे हमने दोनों पार्ट्स को प्रेस कर लिया है। अब हम ये 2 कलर की पट्टियाँ लेंगे। इन दोनों की चौड़ाई हमने 1 इंच और 2 पॉइंट ली है। इसकी चौड़ाई भी हमने 1 इंच और 2 पॉइंट ली है। दोनों पट्टियों को हम इस तरह से रख कर स्टिच कर लेंगे। और इस पट्टी की लंबाई हम दोनों पट्टियों की लंबाई हम काफ़ी सारी लेंगे। ऐसे हमने एक साइड से स्टिच कर लिया है। अब इसी तरह से हम इसको इस साइड से भी स्टिच कर लेंगे। ऐसे हमने पट्टी को दोनों साइड से स्टिच कर लिया है। अब हम पट्टी को नीडल की हेल्प से सीधा कर लेंगे। ऐसे हमने पट्टी को सीधा कर लिया है। अब हम 3-3 इंच की पट्टियाँ कट कर लेंगे। ऐसे हमने 3-3 इंच की पट्टियाँ कट कर ली हैं।
अब हम ये बुकरम लेंगे। इस बुकरम की चौड़ाई हमने 3 इंच ली है और चौड़ाई आप लोग अपनी फिटिंग के हिसाब से लेंगे। अब हम बुकरम को फैब्रिक पर पेस्ट कर लेंगे। बुकरम को हमने फैब्रिक पर पेस्ट कर लिया है और अब हम इसको इस तरह से डबल करेंगे और सेंटर में इसके मार्क कर लेंगे। ऐसे सेंटर में हमने मार्क कर लिया है। और अब हमने ये जो पट्टियाँ रेडी की थी ये वाली पट्टियाँ लेंगे। इस पट्टी का हम ग्रीन वाला साइड ऊपर करेंगे और सेंटर में जो हमने मार्क किया है वहाँ से हम स्टिच कर लेंगे। सबसे पहले हम पट्टियों को सेंटर से स्टिच करेंगे और इनके सेंटर में हम तकरीबन आधे इंच का गैप छोड़ेंगे। आधे आधे इंच के गैप पर हम इन सब पट्टियों को स्टिच कर लेंगे। ऐसे हमने इन सब पट्टियों को सेंटर से स्टिच कर लिया है। अब हम इस साइड से पट्टियों को ऐसे नीचे की तरफ करेंगे और स्टिच कर लेंगे। ये देखें, इस तरह से हम पट्टियों को नीचे की साइड पर करके स्टिच कर लेंगे। ऐसे इन सब पट्टियों को नीचे की साइड करते जाएंगे और स्टिच करते जाएंगे। ऐसे हमने एक साइड से स्टिच कर लिया है। इसी तरह से हम दूसरी साइड से भी स्टिच करेंगे। अब इन पट्टियों को दोबारा से हम ऐसे नीचे की तरफ करेंगे और स्टिच कर लेंगे। ऐसे हमने पट्टियों को दोनों साइड से स्टिच कर लिया है और ये हमारी सेंटर वाली पट्टी बिल्कुल रेडी हो गई। अब हम ट्राउज़र का ये नीचे वाला पार्ट लेंगे और इसके साथ हम इस सेंटर वाली पट्टी को स्टिच कर लेंगे। अब हम ट्राउज़र का ऊपर वाला पार्ट लेंगे और इसके साथ हम इस नीचे वाले पार्ट को अटैच कर लेंगे। ट्राउज़र के दोनों पार्ट्स के सेंटर में हमने पट्टी को अटैच कर लिया है और ये हमारा बहुत ही प्यारा सा ट्राउज़र का डिज़ाइन रेडी हो गया। और इस तरह से हमने पर्स को भी हैंड स्टिच कर लिया है। तो अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।